Kombinatimo. उन्होंने भी फोन नहीं हटाया और फोन के ऊपर ही चढ़ गया भयंकर साइकिल बैठे। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। तो दोस्तों मैं अपने बुआ के गांव में हूं और धूप लगी हुई बहुत खतरनाक, आसमान बिल्कुल साफ है आज, कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा पीछे हैं वो देख लिया आप लोगों ने इसलिए बताना पड़ा। इतना काला पहले ही हूँ और काला आ रहा है। अरे यख क्यों उनकी घाम ना, जरा देर में बूढ़ दूँ ना। तो ये चले 4:30 बजे और हमने आना थोड़ा घूमा। और आजकल आपको ऐसे जल स्रोत हर जगह मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और हर जगह पानी निकलता है। और यार यादें तो यहाँ की बिल्कुल इतना चेंज हो गया है, यहाँ तो पहले ना ये पूरी चट्टान थी नीचे से ऊपर तक, ये चट्टान थी और यहाँ पर यहीं कहीं नीचे पे भोर यानी टैंक थी एक, जैसे रुपाई थे नीचे उसके लिए एक टैंक बनाई थी यहाँ पर, बहुत बड़ी टैंक थी और उसमें पानी जमा होता था और हम उसमें नहाते थे। अब रोड के आने से उस सारा पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कैसा था और क्या हो गया। ये जो यहाँ सामने दिख रहा है ये है मलाऊ है, पूरी एक ग्राम सभा है, कुल्लू गाँव ये है और कुल्लू गाँव की ही ग्राम सभा है भुन्नू भी, और ये भुन्नू है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और जो मेरे गांव की श्रीगढ़ या पोखरी की रोड है ये ऊपर खड़पत्ता रह गया, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा और इन पेड़ों के बीच नहीं दिख रहा, ये रोड है पोखरी की। तो यहाँ से पोखरी कुछ लगभग इस साइड को है पोखरी, और यहाँ पर है ये भटवाड़ी गांव है जो बचनी गांव की ग्राम सभा है। उरकुली, बचनी और भटवाड़ी तीनों एक ग्राम सभा है, और बचनी गाँव ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है, उरकुली गाँव ऊपर रहेगा टॉप में। बाकी यहाँ से बहुत दृश्य दिखते हैं आपको, क्यूड़ी कांडा सुना होगा आपने, ये कांडा है, क्यूड़ी यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि क्यूड़ी गांव ना एक्चुअली उल्टा है, ऊपर की साइड है सब घरों के मुंह, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूड़ी गांव रह गया, ये ऊपर खड़पत्ता रह गया। और बात की जाए तो यहाँ पे ये भन्नू रह गया, कुल्लू आ गया यहाँ पर, ये चोपता मार्केट है पूरा, और उसके बाद मलाऊ फलासी जो भी पूरी वो फलासी की जो ग्राम सभा है वो पूरी ये कवर हुई यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ ऊपर यहाँ पर मलाऊ है, ये फलासी है, यहाँ पर कोट वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, और यहाँ पर भी दो चार मकान हैं, बर्तवाल लोग रहते हैं यहाँ पर जो मेरी कास्ट है, और बर्तवाल लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर और ऊपर पेड़ बोलते हैं मकान वहाँ तक। ये पूरी फलासी गांव की ग्राम सभा है और यहाँ का जो कुछ इस तरह दिख रहा है। तो थोड़ा शाम हो चुकी है, मैंने कहा थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं, यहाँ पर साइकिल थी मोंटी के पास, तो मैंने कहा थोड़ा हमें भी दे दो चलाने के लिए, और कुछ आता है नहीं तो साइकिल थोड़ा सीख लेता हूँ मैं, तो देखते हैं कैसे चलाता हूँ मैं, देखो सब ठीक रहे। तो यार गांव में साइकिल का मज़ा कुछ और ही होता है, क्योंकि नीचे मार्केट साइड तो उतना वो मज़ा नहीं आता क्योंकि बहुत चला चुके हैं वहाँ पर, लेकिन पहाड़ों में ऐसी तिरछी विरछी रोडों पे थोड़ा देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता। पहली बार चला रहा हूँ मैं गांव साइड में साइकिल, तो देखते हैं पहला राउंड कैसा रहता है मेरा। तो दोस्तों देखिए थोड़ा कैसा रहता है, मैंने चलाया तो नहीं, डर लग गया यार पहाड़ों में, धड़ाम गिर गया तो हो गया काम तमाम मेरा। यार ये नीचे रहेगी सड़क और यहाँ आगे टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऊपर की सड़क है, यहाँ पर यहाँ ले जा रहे हैं हम साइकिल को, और ये देख सकते हैं आप अनु भाई मेरे साथ लगा हुआ है इस ऐसे रास्ते में ले जा रहे हैं हम साइकिल पर, मतलब तूफान आदमी है यार हम, और यहाँ ये देखो खतरनाक आदमी है अनु भाई, ये देखो सीधे कंधे में चढ़ा दी उसने अपनी साइकिल, तगड़ा आदमी है वो भाई, थोड़ा रह गया ये बाबा रोड में ले आई जी, इतनी फट रही है ना उसको चढ़ाई पे चलाते वक्त, नीचे तो ठीक जा रही है चढ़ाई पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं थोड़ा,
अभी अभी पता क्या मैंने उनको बोला यहाँ नीचे रख फोन ऐसे पकड़ के रख, मैं उधर साइकिल चला के आ रहा हूँ और फोन के सामने लाऊंगा उसका, तो फोन उठा देना जैसे मैं यहाँ से साइकिल चला के आया ना कसम से, अब मैं भी अपनी धुन में चल रहा हूँ आराम से, इधर उधर देखना थोड़ा लोगों को लगेगी यार इधर उधर देख रहा, थोड़ा मूवमेंट आ जाए एक वीडियो का। उन्होंने भी फोन नहीं हटाया और फोन के ऊपर ही चढ़ गया भयंकर साइकिल भयंकर खबर अलग हो गया बच गया यार फोन भगवान कसम से, सिनेमेटिक शॉट निकाल लेते हो गया था सिनेमेटिक शॉट अभी हमारा। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको घुड़, यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो घुड़ है वहाँ पर, ये हिरण की प्रजाति है लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा स्पष्ट तरीके से। ये देखो यहाँ पर बीच पे है, आ भाग भी नहीं रहा यार वो रोड, यार हर जगह ऐसे हो रखी है आजकल पहाड़ों में, और पहाड़ की सबसे बड़ी कमी यही है कि रोड यहाँ पर प्रॉपर उस हिसाब से बनती नहीं है। मैं अपने गाँव के हिसाब से ले लूँ यार यहाँ के हिसाब से ले लूँ, कहीं भी देखो इस बारिश के मौसम में हर जगह रोड टूटती है, और यहाँ पर देखो सड़क में मतलब ये नहीं है कि सड़क नहीं लग रही, रास्ता लग रहा है, रास्ता भी इससे अच्छा होता है। ये हमारा पहाड़ का दुर्भाग्य कह सकते हैं आप, या यहाँ पर इस हिसाब से काम नहीं होता है, यहाँ के जो विधायक हैं या जो भी हैं क्षेत्र के लीडर वो इस हिसाब से काम नहीं करवा पाते यहाँ पर, तो ये हर पहाड़ के हर क्षेत्र में कुछ इस तरह की क्षति पहुँचती है रोडों को। और इस रोड के क्या हाल हो रखे हैं, इतनी बड़ी दरार पड़ी हुई यहाँ पर, मतलब रोड आधा से ज़्यादा नीचे जा चुकी है एक ही बारिश के मौसम में। आगे तक देख सकते हो आप, यहाँ तक ये पूरी दरार देख सकते हो यहाँ से आप, किस हिसाब से रोड क्षतिग्रस्त हुई है। और यही चीज़ें हैं, हैं ये ऊपर रोड है, ये भी आगे बहुत जगह पे टूटी हुई है, यहाँ पर तो उस हिसाब से टूटी कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ आगे ना मतलब गाड़ी आने के लिए भी नहीं है, तो ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है यहाँ इस इलाके के लोगों को। यहाँ पर ये गाड़ी है ये करीब एक महीने से यहाँ पर खड़ी है, तो ये लगा सकते हो आप, जिनकी ये रोजी रोटी इस गाड़ी पे चलती होगी उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड।